केंद्र में मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए। जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली रही है, उससे उनके कामों की चर्चा हर समय होती रहती है। सरकार उसके समर्थकों का दावा रखता है कि इन 8 सालों में हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। हालांकि विरोधी ऐसा नहीं मानते, वो सरकार को कई मसलों पर घेरते हैं। यह हम बात करेंगे कि आखिर इन 8 सालों में सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह कदम उठाए। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे देश की तरफ आग उठाने वालों को कड़ा संदेश गया है। 2016 में उरी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, इससे एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंकियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई में पीछे नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया गया है। कश्मीर घाटी में पथराव की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। सरकार आतंकी घटनाओं और उनकी सहायता प्रणाली के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन के द्वारा की गई घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार को बार बार सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा भी चीन को उसी की जुबान में जवाब दिया जा रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पैंगोंग झील और अन्य अग्रिम स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट भी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में मौजूद है। चीनी सेना द्वारा किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए लद्दाख सेक्टर में सैनिकों की संख्या भी काफ़ी बढ़ा दी गई। पूर्वोत्तर शांति सुनिश्चित करने पर भी मोदी सरकार का फोकस रहा है। 2021 में केंद्र ने कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक समूह के साथ त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्बी असम का एक प्रमुख जाति समुदाय है और 2015 में सरकार द्वारा नागा विद्रोही नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा NNSCNIM के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पूर्वोत्तर में शांति की सुनिश्चित करने में एक बड़ी सफलता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के बाद से भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को विस्तार देकर और विदेशी कंपनियों में रक्षा खरीद कम करने की नीति अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका की रक्षा और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कभी कभार छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत में किसी बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सूरत में भारत बड़े सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।